मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो बात की थी वो बात किया था अरब और तुर्कों के भारत पर आक्रमण का, और उसकी शुरुआत की थी मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण से पूर्व। अगर हम लोग भारत पर प्रथम इस्लामिक आक्रमण की बात करें तो था 636 में ठाणे पर। राजनीतिक आक्रमण की जब बात करते हैं तो वो 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध विजय किया गया दाहिर के खिलाफ। बाद में जो जजनामा का है उसमें ये मिलता है कि सिंध के वो दाहिर की दो पुत्रियां सूर्या और परमाल देवी ने एक षड्यंत्र के माध्यम से कासिम की हत्या करवाई खलीफा के द्वारा और फिर खुद भी मृत्यु को प्राप्त होती हैं। फिर बाद में गजनवी का आक्रमण हुआ तो बड़ा विवाद है उन पर कि आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो जहां तक सारी चीज देखने के बाद लगती है उस हिसाब से महमूद गजनवी के आक्रमण का मूल उद्देश्य भारत में धन की प्राप्ति थी। वह इन्हीं धन से अरब जगत को विजित कर रहा था। कारण क्या है कि अरब में पैसे की कमी थी, और जिस समय की हम बात कर रहे हैं उसमें भाई तेल इत्यादि तो अरब में बहुत है, बहुत अच्छा है, उत्पादन भी कर रहे हैं, बहुत धनाढ्य हो गए हैं देश वहां के तेल बेच करके। उस समय तेल की कोई आवश्यकता नहीं थी, ट्रैक्टर ट्राली गाड़ी थी नहीं, इसलिए तेल बिक नहीं रहा था। बिना तेल के कोई खाद्यान्न उत्पादन हो नहीं सकता, इसलिए जहां जहां उत्पादन होता हो वहां से दूर और फिर वहां के क्षेत्रों पे भी है, क्योंकि कबीलाई संस्कृत है। कबीलाई संस्कृत में आक्रमण और विजय ही दोनों चीजें होती हैं। जीवन जो होता है वह अधिकतर घुमंतु जीवन होता है, यहां से वहां, वहां से वहां, व्यापार और पशुपालन यह उनका मुख्य उद्देश्य रहता था। तो ये चीज वहां रही। फिर उसके बाद गोरी, तो गोरी ने साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण मुल्तान पे, दूसरा आक्रमण गुजरात पे किया जिसमें उसकी एक अच्छी खासी पराजय होती है, किसी तरीके से बच के भाग पाए थे। फिर दो तीन आक्रमण और किया दिल्ली पंजाब में, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो अंततः भटिंडा, भटिंडा पृथ्वीराज चौहान अपनी सीमा में मानते थे, इसलिए जब भटिंडा पर मोहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया तो राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने उसे प्राप्त करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप प्रथम तराइन का युद्ध होता है जिसमें गोरी की पुनः पराजय होती है, लेकिन गोरी ने हिम्मत नहीं हारी। नेक्स्ट ईयर ही उसने पुनः तराइन के मैदान में जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ा था। 1206 ईस्वी में हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा था कि मोहम्मद गोरी के बाद जो यहाँ वंश स्थापित हुआ उसे हम लोग ममलूक वंश की संज्ञा देते हैं, और ममलूक वंश में ये देखे थे, ममलूक वंश 1206 से 1290 ये टाइम पीरियड था। इसमें हम लोगों ने जो जो शासक आए उनको देख चुके थे, और ममलूक वंश में पहला वंश है कुतुबी। ठीक, और इस कुतुबी वंश के अंतर्गत पहला शासन कुतुबुद्दीन ऐबक, टाइम पीरियड 1206 से 1210। ठीक है, जब हम कुतुबुद्दीन का अध्ययन करते हैं तो उसमें कुतुबुद्दीन के समय काल को हम लोग दो पार्ट में विभाजित करते हैं। ठीक, पहला है 1206 से 1208 और दूसरा है 1208 से 1210। कारण क्या है, जो प्रथम पार्ट है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक एज ए दास के रूप में शासक है, स्वतंत्र शासन सत्ता स्थापित नहीं किया। 1208 में उसे दासता से मुक्ति मिलती है और 1208 में ही उसने सुल्तान बन गया, यानी एक स्वतंत्र शासक बनता है। अभी तक गोरी की जो दी गई उपाधि थी शिपह सलार, उसी उपाधि से शासन करता था। 1208 के बाद इसने अपनी उपाधि चेंज की और जिज्या दी। ऐबक की अगर हम उपाधियों की बात करें
तो इबक की उपाधियों में लाख बक्स, पील बक्स, हातिम द्वितीय और कुरान खान, ये चार उपाधियां मिलती। लाख बक्स का है अर्थ लाखों में दान देने वाला, पील बक्स का अर्थात है हाथियों का दान देने वाला, हातिम द्वितीय का है विद्वान शासक, कुरान खां इसे पूरी की पूरी कुरान कंठस्थ थी, इसलिए इसे कुरान खां कहा गया। ठीक, विद्वान है, दानी है, हतिम की तरह विद्वान या दानी शासक। ठीक है, तो ये चार उपाधियां लाख बक्स, पील बक्स, आतिम दिति, कुरान का। ठीक है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो उसके लिए ये चीज। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। बारह सौ छह में जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठते हैं तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई लाहौर को। ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया था, ऐबक ने अपना संपूर्ण शासन लाहौर से किया, दिल्ली से नहीं। ये ध्यान रखिएगा, भारत में राजधानी सल्तनत में जो दिल्ली बनती है वो इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई। ठीक है, दिल्ली के शासकों में प्रथम शासक की बात आएगी तो वो इल्तुतमिश है, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, 1208 में इन्हें दास्ता से मुक्ति मिलती है। दास्ता से मुक्ति के पश्चात ही इन्होंने सुल्तान घोषित किया। 1208 से पूर्व शासक बनने के पश्चात जो उपाधि रखी वो थी सिपह सलार की, ये उपाधि गोरी को द्वारा दी गई थी। ठीक, अब समस्या ये है कि 1206 में जब गोरी की मृत्यु हुई तो चूंकि गोरी का कोई पुत्र नहीं था, जब गोरी का कोई पुत्र नहीं है साम्राज्य का होता है क्या, तो चूंकि गोरी कहता भी था कि मेरा कोई अपना पुत्र नहीं है, लेकिन मेरे जो है हजार पुरुष वो पुत्र हैं दास जो थे, यही मेरा नाम और मेरे साथ रक्षा करेंगे। इसलिए जब गोरी की मृत्यु होती है तो उसके संपूर्ण साम्राज्य को तीन भाग होते हैं। पहला गजनी या गोर, दूसरा सिंध व मुल्तान जिसमें पंजाब पंजाब वाला पूरा हिस्सा आ जाता था, थर्ड दिल्ली या भारत का इस्लामिक साम्राज्य भी था। ठीक, गजनी और गोर में ताजुद्दीन एल्दौज ने शासन स्थापित किया, सिंध व मुल्तान में नासिरुद्दीन कुबाचा ने शासन स्थापित किया, और दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित। अब समस्या ये थी कि गोरी की राजधानी क्या है, गजनी, तो जो गोरी की राजधानी पर शासक बनेगा वही गोरी के संपूर्ण क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेगा। तो ऐबक को और कुबाचा को दोनों को दिक्कत थी एल्दौज से, कभी भी एल्दौज इन क्षेत्रों में भी अपनी सत्ता की बात करेंगे, इसलिए एल्दौज से संबंध अच्छे बनाए जाएं।
तो सबसे पहले एबक ने ऐसा कार्य किया। एबक ने क्या कि अपनी स्थिति को मजबूत करे सत्ता के लिए, उसने अपनी पुत्री सॉरी बहन बहन का विवाह एल्दाउस से कर दिया और कुबाचा की पुत्री से स्वयं विवाह कर लिया और स्वयं की पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया, क्योंकि इल्तुतमिश एक योग्य सरदार था एबक के, और एबक से पहले ही वो दास्ता से मुक्त हो चुका था। गोरी के कहने पर 1205 में खोखर युद्ध में के दौरान जब युद्ध समाप्त हो गया तो गोरी की सैनिक योग्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और वहीं पर एबक को उसे दास्ता से मुक्त करने का आदेश देते हैं और इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो एक वैवाहिक संबंधों के माध्यम से एबक ने अपनी स्थिति मजबूत की कि बाह्य आक्रमण कोई ऐसा न होने पाए। और उसके बाद भारत में जो क्षेत्र थे विजित किए गए थे सिर्फ उन्हें बनाए रखने का कार्य किया, समय भी ज्यादा नहीं मिल पाया इसे तो उसमें विस्तार करता, बस जो क्षेत्र है वो शांतिपूर्वक हमारे साथ बने रहे, वहां किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो, ये चीजें इसने की। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग वास्तुकला की बात करते हैं इनके। जब एबक की वास्तुकला की बात आती है तो उसमें प्रमुख इनकी तीन इमारतें आती हैं। पहली कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दूसरी आती है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, और थर्ड है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का नामकरण जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सूफी संत थे चिश्ती परंपरा के, इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का नाम पड़ा। ठीक, अब इस्लाम के लोग भारत आ गए हैं, क्षेत्र विस्तार भी कर लिया और ये भी है कि यहीं यह अस्थायित्व करेंगे, तो भाई धर्म के लिए कुछ तो जरूरी था। ठीक, तो सबसे पहले 1196 में ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बना। हम जब इन दोनों की बात करते हैं तो ये ज्यादातर ध्वंसावशेषों से ही निर्मित हैं। जब कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की बात आती है तो देखा जाता है कई जैन मंदिरों को तोड़कर इसका निर्माण किया गया। ये दिल्ली में है और कुतुब मीनार भी दिल्ली में, दोनों दिल्ली में। जब अढ़ाई दिन के झोपड़े की बात आती है तो ये देखते हैं कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है, ये इसे एक संस्कृत विद्यालय था। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित किया गया था और इस संस्कृत विद्यालय को तोड़कर अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, ये निर्मित किया गया। तो ये चीजें आई इनके समय। ठीक है, फिर कुछ विद्वानों को भी बुला करके, क्योंकि अब दिल्ली में इस्लाम को स्थापित करना था, इस्लाम के अधिकतर लोगों को वहां व्यवस्थित करना था, अपनी सत्ता बढ़ानी है तो इस्लाम के अधिक से अधिक लोग वहां आके रुके, तभी हम अस्थायित्व प्राप्त कर सकते थे। आसपास जो इनके विजय अभियान थे वास्ते बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, तो उपाधि हो गई, इनके सिर्फ सलाह हो गए, उसके बाद
1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गए। मृत्यु हो जाती है। 1210 में ऐबक की डेथ हुई। अब जब ऐबक की डेथ हुई तो समस्या यह थी कि गद्दी पर कौन बैठे, तो उसमें भी एक विवाद की स्थिति आ गई। लाहौर के अमीरों ने एक व्यक्ति आराम सा गद्दी पर बैठाया और ये कहा कि ये आराम शाह जो है ऐबक के पुत्र हैं, दासी पुत्र। अब वास्तविकता क्या थी पता नहीं, लेकिन इसके पहले किसी भी इतिहासकार ने यह उल्लेख नहीं किया है ऐबक का कोई पुत्र भी था। उनकी पुत्रियों का उल्लेख होता है लेकिन पुत्र का कभी उल्लेख नहीं आया। तो आराम शाह को लाहौर में गद्दी पर बैठा दिया गया। दूसरी तरफ जो दिल्ली के अमीर थे, इन्होंने ऐबक के दामाद व दास इल्तुतमिश को आमंत्रित किया और गद्दी बैठाया। यानी एक साथ दो व्यक्ति सत्ता का उपभोग कर रहे हैं, लाहौर में आराम शाह और दिल्ली में इल्तुतमिश। बाद में दोनों के मध्य युद्ध होता है जिसमें आराम शाह की पराजय होती है और पराजय के बाद इनकी मृत्यु हो गई और शासक हो गए इल्तुतमिश। ठीक, ये चीज आई आराम शाह की पुत्र होने और ना होने पर बहुत बड़ा मतभेद है, क्या थी वास्तविकता पता नहीं। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि एक दासी पुत्र थे, ये लाहौर के अमीर कहते हैं, लेकिन दिल्ली के अमीरों ने इनको शासक नहीं बनने दिया। कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो ये कहते हैं नहीं, ये है ऐबक के ही पुत्र थे। क्योंकि दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि उस परिस्थिति में एक योग्य सुल्तान चाहिए था जो इस्लामिक सत्ता को अस्थायित्व प्रदान कर सके, और वो योग्यता आराम शाह में नहीं थी। इसीलिए दिल्ली के अमीरों ने अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक योग्य व्यक्ति इल्तुतमिश, जो अपनी योग्यता को सिद्ध कर चुके थे, उसे आमंत्रित किया और गद्दी पर बैठाया। आराम शाह में यह योग्यता नहीं थी क्योंकि एक ख्वारिज्म शाह का शासन अरब में बढ़ रहा था, मंगोलों का उत्थान हो ही चुका था, भारत में अभी राजपूतानों को शांत नहीं किया जा सका था, राजपूताने अभी भी आक्रामक थे, कभी भी वो समस्या खड़ी कर सकते थे। तो ऐसी परिस्थिति में एक योग्य शासक चाहिए था, इसलिए दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया और उसी गद्दी पर बैठाया। बाद में युद्ध हुआ, आराम शाह की हत्या हुई और चीजें खत्म। ठीक है, तो जब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का इल्तुतमिश, इल्बारी वंश। इल्तुतमिश 1211 से 1236, इल्बारी वंश 1211 से 1265। ठीक है, इल्तुतमिश के जब हम लोग कार्य देखते हैं तो चूंकि समय भी इसके पास काफी है, काफी लंबा शासन भी था, तो इसके कार्य भी काफी ठीक रहे। नहीं, 25-26 साल शासन पे हैं तो कार्य भी इनके कुछ न कुछ तो होंगे। पहले हम लोग कार्य देखते हैं, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा। दूसरा देखिए, अरबी मुद्रा का चलन। थर्ड, इक्ता दारी व्यवस्था की स्थापना। फोर्थ,
फोर्थ है कुबाचा की पराजय, पांच गजनी से संबंध विच्छेद, छठा केंद्रीय सेना की स्थापना, बंगाल विजय, फिर इनके स्थापत्य, थोड़ा बहुत ठीक है ये चीजें हैं। देखिए स्थिति क्या थी, जब हम लोग मंगोल आक्रमण की बात करते हैं तो 1221 में पहली बार सिंध नदी की सीमा पर चंगेज खान का आक्रमण हुआ। ये वही चंगेज खान हैं जिन्होंने मंगोलिया से उत्पन्न होकर के थोड़े ही समय, मात्र 2 वर्षों के अंदर संपूर्ण अरब को जीत लिया। अब चंगेज खान भारत की सीमा पर क्यों? इन्होंने ख्वारिज्मशाह जिनसे अंधखुद के युद्ध में गोरी की पराजय हुई थी, बहुत ही जल्दी ख्वारिज्मशाह का साम्राज्य जो एक विस्तार काफी ले चुका था, उस साम्राज्य को चंगेज खान ने तहस नहस कर दिया। ख्वारिज्मशाह युद्ध में मारे जाते हैं और ख्वारिज्मशाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी भागकर भारत आते हैं, क्योंकि अरब में तो सब जगह मंगोल आ गए, इस्लामिक साम्राज्य कुछ न कुछ मदद मिल सकती थी और इस्लामिक साम्राज्य इधर भारत में ही अच्छा था, जहां वो आकर के कुछ न कुछ तो कर ही सकते थे, इसलिए वो भारत आए। भारत आने के बाद इन्होंने इल्तुतमिश के पास अपना दूत भेजा कि सहायता करो चंगेज खान के पास सामने खिलाफ। तो अब अगर चंगेज खान के खिलाफ इल्तुतमिश इनकी सहायता करता है तो चंगेज खान का विरोध तो इल्तुतमिश को भी झेलना पड़ता, और जिस शक्ति के सामने अरब के सारे साम्राज्य बड़े बड़े नेस्तनाबूद हो गए, वहां इल्तुतमिश का साम्राज्य उसके विरोध में जाकर के कैसे जीवित रह सकता था। इसलिए इल्तुतमिश ने इस्लामिक होते हुए भी, भाई एक दूसरे की सहायता की बात आती है इस्लाम में जब ऐसी कोई चीजें होते हुए भी, जलालुद्दीन मंगबरनी के दूत की हत्या करवा दी, यानी सहायता नहीं दे सकते। जलालुद्दीन मंगबरनी ने ही वही पंजाब में खोखर सरदार से पुत्री से विवाह कर लिया, कुबाचा के कुछ क्षेत्रों पर कुबाचा के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। चंगेज खान लगभग 1 वर्ष तक भारत की सीमा पर रहता है, और जब जलालुद्दीन मंगबरनी को लगा कि हम दही दिल्ली की तरफ जाते हैं तो इल्तुतमिश विरोध में खड़ा है, वो सेना लेकर के हमको पीटेगा, और अगर सिंध के उस पार जाते हैं तो चंगेज खान, तो बाद में वो किसी तरीके से देखा कि यहां पड़े रह करके भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते थे कुछ, इसलिए बाद में अरबी भाग गए, वहां मंगोलों ने पकड़ करके मार दिया। ठीक है, तो ये चीज रखी। लेकिन जलालुद्दीन मंगबरनी के को सहायता न दे करके इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की रक्षा कर ली। पहले तो बुद्धिमत्ता ये हुई कि मंगोलों से हम भाई कोई वैसी दुश्मनी नहीं लेते हैं कि मंगोलों के खिलाफ जाए, और अगर दुश्मनी नहीं लेते तो फिर मंगोल आपके ऊपर आक्रमण ही क्यों करते। ठीक है, दूसरा खोखर सरदार की पुत्री से विवाह के पश्चात जो क्षेत्र अधिकार में लिया उससे कुबाचा की शक्ति कमजोर हुई, तो अब कुबाचा के खिलाफ भी अभियान किया जा सकता था, ऐसी तो कोई दिक्कत थी नहीं। ठीक है, तो पहला तो यह हो गया कि चंगेज के खिलाफ जलालुद्दीन मंगबरनी को सहायता न दे करके इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य की रक्षा की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गजनी से संबंध विच्छेद। हम लोगों ने भी बात किया था कि गजनी में
गोरी की मृत्यु के बाद शासन सत्ता स्थापित किसने किया? एल्दौज ने, ठीक है। और जब एल्दौज गजनी में हैं और उसी दौरान चंगेज खां का आक्रमण हो गया, तो क्या चंगेज खां का आक्रमण एल्दौज के राज्य पर नहीं होगा? एल्दौज के राज्य पर भी होगा, ठीक। एल्दौज के जब राज्य पर हुआ तो एल्दौज पराजित हुए और किधर भागेंगे? भारत की तरफ, सही तो होगा। जब भारत की तरफ भागे, क्योंकि भाई गजनी शासक हैं और गजनी का शासक गोरी के संपूर्ण शासन को, विजित क्षेत्रों को अपने अधिकार के मानता था। कुबाचा और इल्तुतमिश थोड़े मानते थे अधिकार में, तुम मान रहे हो तो ठीक, हम मानो, जब कोई ऐसी स्थिति आएगी तब देखा जाएगा। तो वहां से जब चंगेज खान के द्वारा लती आए गए तो भागे भारत की तरफ। भारत जब आए तो सीमा पर अधिकार की बात की, और कुबाचा के काफी क्षेत्र विजित कर लिए। इल्तुतमिश के लिए मौका था कि दिल्ली की गजनी के साथ संबंध विच्छेद किया जाए, इसलिए इल्तुतमिश भी अपनी सेना सहित एल्दौज से मुकाबले के लिए निकल पड़ता है। और परिणाम स्वरूप तराइन तराइन का तृतीय युद्ध 1216 में होता है, जिसमें एल्दौज की पराजय होती है और मृत्यु यानी हत्या कर दी जाती है। यानी तराइन के तृतीय युद्ध से एक बात तो समझ में आ गई कि दिल्ली सल्तनत का संबंध गजनी या गोर या अरब जगत से नहीं है, उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है और वह बना रहेगा, ठीक। एल्दौज से, हाँ, यहां एक टॉपिक और, खलीफा से मान्यता। भाई खलीफा से मान्यता भी इन्होंने प्राप्त की, ठीक है। तो एक चीज यह, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अरबी मुद्रा। अभी तक हम लोग गजनवी के समय प्रचलित मुद्रा और गोरी के समय प्रचलित मुद्रा देख रहे थे। गजनवी के समय जब देखा गया तो घुड़सवार और नंदी की आकृति वाले मुद्रा, दूसरी तरफ संस्कृत में अव्यक्तम मेकम महमूदह लेख उत्कीर्ण था, ठीक है। फिर गोरी के समय जब आते हैं तो ये देखते हैं कि चौहानों की समय जो मुद्रा थी उसी को परिवर्तित किया गया और उसमें लक्ष्मी की आकृति वाले मुद्राएं प्रचलन में आती हैं, मां लक्ष्मी की मुद्रा, ठीक है। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, और इन अरबी सिक्कों में दो सिक्के, टंका और जीतल। यह टंका जो है ये चांदी का है, जीतल जो है ये तांबे का है, कुछ जगह कांसा भी आता है, दोनों को मिक्स कर दिया गया था, ठीक है। चल चला, इन चांदी के सिक्कों का जो वजन है वो होता था 175 ग्रेन, और टंका और जीतल की मूल्य में जो अनुपात था वो था 1:40 का, यानी एक टंका 40 जीतल के बराबर होता था। थोड़ा बहुत अंतर नहीं था, एक टंका 40 जीतल के बराबर है, यानी काफी ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, इन सिक्कों पर शुद्ध अरबी लेख लिखवाए गए, टकसाल का नाम लिखवाया गया, और संपूर्ण साम्राज्य में इन्हीं सिक्कों का प्रचलन हुआ, ठीक।
बाद में बलबन के समय सोने के टंके चलाए गए, यमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय तांबे का टंका चलाया गया। दोनों के अंतर है, बलबन के समय सोने के टंके जारी किए गए थे, यमबीटी ने भाई सांकेतिक मुद्रा चलाई और उस सांकेतिक मुद्रा में उन्होंने तांबे के टंका जारी किए, लेकिन मूल्य चांदी वाले के बराबर कर दिया। एक सांकेतिक प्रयोग था सांकेतिक मुद्रा का उस समय, जो शोध है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि उस समय विश्व में आर्थिक मंदी छाई हुई थी और चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए एबक ने अपनी अचानक एक अच्छी बुद्धि का प्रयोग किया और उस बुद्धि के अंतर्गत ये कार्य किए, लेकिन उसके सहयोगी जो थे उन्होंने इसे सफल नहीं होने दिया और अंततः ये प्रयोग उसका फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हुई, टंका और जीतल का प्रचलन किया, सुदर्वे सिक्के लेख भी जो इनके ऊपर लिखाए गए वो सब अरबी लेख लिखाए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्तादारी व्यवस्था, इक्तादारी व्यवस्था, ठीक, इक्ता क्या होता है? इक्ता से तात्पर्य है एक भूभाग, भूमि का एक टुकड़ा जो भी हो। इल्तुतमिश के समय आवश्यकता क्यों पड़ गई इसकी? क्योंकि इल्तुतमिश के समय जो हम लोग उसके उमरा वर्ग को देखते हैं तो उसमें मुइज्जी, कुतुबी और शमसी अमीरों की बात आती है। मुइज्जी अर्थात गोरी के दास, कुतुबी अर्थात ऐबक के दास और शमसी मतलब इल्तुतमिश के दास। ठीक, गोरी और ऐबक के दास, ऐबक के दास तो इससे अपनी समानता देखते, गोरी के दास इस पर अपनी अधिकारिता देखते। ठीक, यानी इन दोनों के ऊपर नियंत्रण कठिन होता और अगर उनको महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिया जाए तो कभी 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 भी उनमें स्वेच्छाचारिता आ सकती थी और वो विद्रोही हो सकते थे। इसलिए इल्तुतमिश ने अपने दासों को महत्वपूर्ण पद यानी आर्थिक और सैनिक रूप से उन्हें मजबूत किया जाए इसकी परंपरा चले। अब पद परंपरा चला तो रहे तो अब इस परंपरा में करें तो क्या करें, इसमें देखिए क्या करते हैं। फर्स्ट, अपने दासों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगानी नाम दिया। तुर्कान यानी तुर्क, चहलगानी का मतलब 40 गुलाम सरदारों का संगठन है ना, तुर्कान चालीसा भी से कहते हैं, यानी इसमें इल्तुतमिश के 40 गुलाम सरदार संगठित थे। ठीक है, अब ये तो दास हो गए, इल्तुतमिश के ही दास हैं, यानी ये इल्तुतमिश के प्रति पूर्णतः वफादार रहेंगे। ठीक, अब इनको गठित तो कर लिया गया कि ये अच्छे हैं, योग्य हैं, इनको अगर मजबूत किया जाए तो ये इल्तुतमिश के प्रति वफादार रहेंगे और उसकी साम्राज्य विस्तार में सहायक हो सकते हैं। इसलिए इल्तुतमिश ने अब इनको मजबूत करने के लिए इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की, यानी साम्राज्य का विभाजन किया, किसमें, प्रांतों में। साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में हो गया और यही जो प्रांत थे इन्हीं को उसने एकता का नाम दिया। ठीक, यही एकता कहलाए। अब अगर प्रांत एकता हो गए तो प्रांतपति यहां जो प्रशासन करेगा वो एकता दार कहलाया और ये यहां आ गए। चालीसा के सदस्य ही एकता दार हुए, कुछ को राज दरबार के नजदीक रखा गया, कुछ को एकता दार बनाया गया। ठीक है, ताकि
दूसरी चीज इन्होंने क्या की, इन इक्तादारों को अपने अपने क्षेत्र में सैनिक और असैनिक अधिकार प्रदान कर दिया, यानी उस क्षेत्र से तुम राजस्व की वसूली करो और उसी राजस्व की वसूली से अपना और अपने अधीन रखे गए सैनिकों का जीवन निर्वाह। ये बात यहां आई और इसी से इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को इन अमीरों के खिलाफ अस्थायित्व प्रदान कर दिया, यानी इन अमीरों की शक्ति कमजोर हुई, उसके दास अमीरों की शक्ति बढ़ती है, और जब दास अमीरों की शक्ति बढ़ेगी इल्तुतमिश इन अमीरों की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। तो ऐसे ही लोग विद्रोही नहीं हो सकते, किसी तरीके से अपना जीवन चला सके, सुरक्षित रख सके, ठीक है। तो ये चीज हुई, एकता की व्यवस्था संगठित किया, एकता की स्थापना की, ताकि अपने लोगों को मजबूत किया जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात इस पे बहुत हो सकती है लेकिन चूंकि क्लासेस कम है इसलिए हम लोग कोशिश करें कि सब चीजें थोड़ी थोड़ी हो जाए। खूब अच्छा, ये चीज हम लोग देख चुके हैं कि जलालुद्दीन मंगबरनी और एल्दोज दोनों ने कुबाचा के काफी क्षेत्रों को अधिकृत कर लिया, और जब भी कुबाचा पाठ ये दूसरे कोने में भाग जाते थे, ठीक है। 1226 में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर आक्रमण किया, मुल्तान जीत लिया, सिंध जीत लिया, और जब सब जीत लिया तो अंततः कुबाचा से और इल्तुतमिश से युद्ध हुआ, जिसमें कुबाचा की पराजय हुई और कुबाचा भाग करके भक्खर के किले में छुप गए। जब कक्कर के किले में छुप गए फिर वे संधि का प्रस्ताव रखा, कुबाचा ने अपने पुत्र को इल्तुतमिश के पास संधि के लिए भेजा, लेकिन इल्तुतमिश ने संधि की बात को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण। ये बात आई क्योंकि इल्तुतमिश चाहते भी नहीं थे कि ये बचे रहें, क्योंकि बचे रहेंगे ये तो बाद में फिर खुराफात करेंगे, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती ही, इसलिए बचाया ही न जाए, क्यों नहीं पहले ही खत्म करना, और जब विजेता है तो ऐसे में सांप के सपोले को हम क्यों बचाएं, ठीक है। इल्तुतमिश ने इनके पुत्र को बंधक बना लिया और हत्या करवा दी। जब कुबाचा ने ये सब चीजें देखी तो ये भी भक्खर के किले से लगी हुई सिंध नदी बहती थी, बंदे को तैरना आता नहीं था लेकिन फिर भी हिम्मत करके सिंध नदी में कूद पड़ता है, परिणाम आप जानते हैं, तैरना ना आता हो भरी नदी में कूद पड़ा जाए क्या होगा आप जान सकते हो, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुबाचा के साथ भी ठीक वही हुआ, और ऐसा होने के पश्चात इल्तुतमिश का अब कोई ऐसा नहीं था विरोधी जो इल्तुतमिश की सत्ता को चुनौती दे सके, चिच-चिच फिक्स हो, ठीक है। आगे देखते हैं, केंद्रीय सेना देखिए, समस्या ये थी राजपुताना कुबाचा एल्दोज बंगाल चंगेज ये सभी इल्तुतमिश के समय ही युद्ध में आए, या इल्तुतमिश के समय इनसे युद्ध करना पड़ा या इनकी समस्या खड़ी हुई। तो ऐसे में इल्तुतमिश ने केंद्र में एक सुसज्जित सेना रखी कि जरूरत कभी भी पड़ जाए, तत्काल जरूरत पड़े तो सेना तैयार है, युद्ध के लिए वो चल सकती है,
तो ये सबसे पहली बात इसने कहा। नहीं, इससे पहले सामंत की व्यवस्था होती थी, राजा के पास कोई विशेष सेना नहीं होती थी, कोई बाह्य आक्रमण हो जाए तो अपने सामंतों से सेना मंगवाता था, पहले उनके पास सूचना भेजा कि जल्दी जल्दी आओ, बाहर से आक्रमण हो गया, तो अब सामंत अपनी सेना इकट्ठा करते थे, फिर वो राजा की सहायता में पहुंचते थे। प्रत्येक सामंत के अलग झंडे थे, प्रत्येक सामंत के सैनिकों का अलग वस्त्र थे, प्रत्येक सामंत के सैनिकों का अलग तरीके का प्रशिक्षण था, तो वो एक दूसरे से अनभिज्ञ भी होते थे और उसमें बहुत बड़ी सेना होने के बाद भी एक छोटी सेना से पराजय संभव थी। इसलिए इल्तुतमिश ने जब केंद्र पर सेना रखी तो उसके लिए एक सैन्य विभाग अलग से बनाया, लेकिन उसका कोई नामकरण नहीं दिया, सिर्फ एक व्यक्ति के अधीन कर दिया उसने, नहीं अधीन रखी, ठीक है। उसका प्रशिक्षण, वेतन इत्यादि सब कुछ अपने अधीन रखा और उस सेना को सिर्फ एक अपने लिए रखा कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल इस सेना के माध्यम से हम उस युद्ध को या उस विद्रोह को दबा सकें, ठीक है। तो ये तो इसने किया। बंगाल की विजय, हम लोगों ने बात की थी कि जब चंदावर के युद्ध में व्यस्त थे उसी समय बख्तियार खलजी ने मात्र 1000 घुड़सवारों के साथ बंगाल विजित कर लिया था। बाद में खलजी सरदारों ने इसकी हत्या कर दी, दूसरे को बैठाया, दूसरे को, ये सारी चीजें चली, ठीक। 1226 में ही नासिरुद्दीन महमूद ने बंगाल पर आक्रमण करके बंगाल को विजित कर लिया, लेकिन बंगाल की दूरी केंद्र से ज्यादा थी, दिल्ली से काफी ज्यादा दूरी थी, इसलिए बंगाल में तभी तक नियंत्रण हो सकता था जब तक वहां कोई वफादार व्यक्ति बैठा। इसलिए जैसे ही मंगोल आक्रमण नासिरुद्दीन महमूद की डेथ होती है, बंगाल ने अपनी स्वतंत्र सत्ता पुनः स्थापित कर दी, खिलजी सरदारों ने विद्रोह किया और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप 1229 में इल्तुतमिश स्वयं गया, पुनर्विजित किया, और ये जानता ही था कि फिर पुनः हो सकता है। विजित करने के बाद इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार को अलग करके दोनों जगह अलग अलग इक्तादारों की नियुक्ति कर दी, यानी शक्ति को तोड़ दिया। अलग अलग है तो कोई दोनों तो जरूरी नहीं कि एक साथ फिर मिलके विद्रोह कर दें, दोनों अलग अलग हो गए तो कोई ना कोई एक तो वफादार रहेगा, अगर बिहार वाला वफादार है तो अवध और बिहार वाले मिलके इसको ठोक देंगे, शासक को बार बार आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बिहार पुनः स्वतंत्र हो जाता है और फिर बलबन के समय में उसे पुनः विजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। स्थापत्य, ठीक, स्थापत्य में सुल्तानगढ़ी, ठीक, किसका है? तो हुआ क्या था कि इल्तुतमिश ने अपने जीवित रहते हुए ही अपने लिए मकबरे का निर्माण करवाया, लेकिन हुआ क्या, इसके मृत्यु से पहले इसके बेटे की मृत्यु हो गई, तो सुल्तानगढ़ी जो है वो नासिरुद्दीन महमूद का ही मकबरा है। भारत में प्रथम मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, ठीक। इसने 1231 में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, ठीक। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया,
तो कुछ जगहों पर मस्जिदों का निर्माण है, सुल्तानगढ़ी के पास भी एक मस्जिद का ही निर्माण है, जामा मस्जिद उसको भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी, बहुत उत्कृष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय जब संसाधनों का अभाव है, ऐसे में अगर इतने ही कुछ कर रहे हैं काम, तो ये काफी ज्यादा था, ठीक है। लास्ट इनका खलीफा से मान्यता, ठीक। 1229 में खलीफा अल मुंतसिर बिल्ला ये इनसे अलाउद्दीन को वैधानिक स्वीकृति मिलती है शासन की, यानी अलाउद्दीन ने किसी खलीफा के अधीनस्थ शासक से मान्यता प्राप्त नहीं की, किसी दूसरे से मान्यता प्राप्त नहीं की, उसने सीधे खलीफा से ही मान्यता प्राप्त की कि इल्तुतमिश खलीफा के अधीन एक स्वतंत्र सुल्तान है, किसी और के अधीन नहीं था, ठीक है। तो 1229 में खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह का एक दूत इनके लिए वस्त्र छत्र इत्यादि लेकर के दिल्ली पहुंचता है, जिसे शहर से स्वीकार किया जाता है, और इल्तुतमिश सुल्तान, उसके परिवार के लोग और राजदरबार, ये सभी खलीफा द्वारा भिजवाए गए राजसी वस्त्र को धारण करते हैं और जश्न मनाते हैं इस मान्यता का। बाद में जब उनका दूत वापस होता है तो कहते हैं उसे बहुत ज्यादा उपहारों के साथ भेजा गया, ठीक है। इस मान्यता का मतलब ये था, अमीरों का खलीफा के द्वारा स्वीकार किए गए सुल्तान के वंशजों के प्रति भी मान्यता या स्वीकृति देना। तो यहाँ ये चीजें हुई, फिर इल्तुतमिश के वंशज ही आए बाद में, फिर बलबन ने उन्हें हटाया कि कोई वंशज ऐसा था नहीं, ठीक है, और स्वयं शासन सत्ता, ठीक। तो ये थे इल्तुतमिश 1236 में बीमारी के कारण इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। हाँ, एक चीज और, 1232 में ग्वालियर अभियान किया इल्तुतमिश, और जब ग्वालियर अभियान पर गए तो ग्वालियर अभियान पर जाते समय इन्होंने दिल्ली की संपूर्ण बागडोर अपनी पुत्री रजिया को सौंपा, ठीक। और जब वहां से लौट करके आए तो भाई पूछा होगा रजिया ने, कैसा शासन संचालन किया, कैसी व्यवस्था देती है, सब चीजें लोगों ने बताया होगा। तो लौटने के बाद एक मुद्रा जारी की जिस पर रजिया का नाम अंकित मिलता है, ठीक। और इसी के पश्चात इन्होंने रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। कहते हैं इसका दरबारियों ने विरोध भी किया था रजिया के उत्तराधिकारी की, कोई स्त्री कैसे शासिका हो सकती है। बाद में इल्तुतमिश ने यह कह करके सबका मुंह बंद कर दिया कि मेरे सभी जीवित पुत्रों में सबसे योग्य शासन के लिए मेरी पुत्री ही है, ये कहा। लेकिन ये तो जब तक तुम जीवित हो तब तक की बात होती है, तुम्हारे मरने के बाद तो जो बचे हैं वही अपने हिसाब से निर्णय करेंगे, ठीक है। तो ये बात आई, बाद में रजिया बनी शासिका, लेकिन उससे पूर्व रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 छह महीने 18 दिन लगभग, ठीक है। देखिए जुनैदी, मलिक निजामुद्दीन जुनैदी ये वजीर थे इल्तुतमिश के, ठीक। और जुनैदी और फिरोज शाह की मां जो एक तुर्की दासी थी, नाम था शाह तुर्कान, ठीक है।
जुनैदी और शाह तुर्कान ने एक षड्यंत्र करके अलाउद्दीन के अंतिम समय में अमीरों को अपनी ओर मिलाकर को विश्वास में लेकर रुकनुद्दीन को शासक बनाया। यानी रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक षड्यंत्र के माध्यम से जो उसके कुचक्री मां के द्वारा रचा गया था शासक बनता है। लेकिन जब योग्यता हो तब तो शासन चला पाओगे, जब योग्यता ही नहीं है तो शासन कैसे चला सकते हो। और शाह तुर्कान रुकनुद्दीन की संरक्षिका बन जाती है। लेकिन बहुत जल्दी ही ये अमीर लोग रुकनुद्दीन के शासन से रुष्ट हो गए और विद्रोह कर दिया। दूसरी तरफ शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश के परिवार पर, यानी परिवार के जो भी महिलाएं थी उन सब पर कहर ढाना शुरू किया। कहते हैं इल्तुतमिश के एक पुत्र को अंधा करवा के मरवा दिया। जो हरम में महिलाएं थी उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती थी। संदेह सबको होने लगा शाह तुर्कान पर कि कभी भी किसी की भी हत्या करवा सकती है। क्योंकि रजिया उत्तराधिकारी थी इसलिए रजिया को कुछ न कुछ तो अधिकार था ही, वो जनता के सामने जरूर जाती। ऐसे में जब विद्रोह किया तो रुकनुद्दीन सेना के साथ दिल्ली से बाहर गया। बाहर विद्रोह को दबाने के लिए गए और रजिया के लिए एक ये सुनहरा मौका था। कहते हैं इस मौके का रजिया ने फायदा उठाया। अब फायदा कैसे उठाया रजिया ने देखिए। शुक्रवार की नमाज टाइम दोपहर की, कहते हैं ये नमाज पढ़ना अनिवार्य होता है शुक्रवार वाली दोपहर की नमाज। कहते हैं दिल्ली के सभी लोग शुक्रवार दोपहर की नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए। उसी समय रजिया ने लाल वस्त्र धारण कर एक ऊंची दीवार पर चढ़ गई। लाल वस्त्र उस समय न्याय का प्रतीक होता था, न्याय मांगने का प्रतीक होता था। ये इल्तुतमिश नहीं करवाया था। कहते हैं इल्तुतमिश का जो दरबार था उसके बाहर दो सिंह की मूर्ति थी, उन दोनों सिंह की मूर्तियों में घंटी लगी हुई होती थी। अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वो उन घंटियों को बजाता था, लाल वस्त्र पहन के पहुंच जाता था और उसे पूर्णतः इल्तुतमिश न्याय करता था। ठीक, तो ये भी लाल वस्त्र पहन करके वहां पहुंची और फिर पब्लिक को संबोधित किया, दिल्ली की जनता को संबोधित किया। उसने बताया रजिया ने कि मेरे पिता ने मुझे उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन मेरी दासी कुचक्री मां ने एक षड्यंत्र करके अपनी बेटी को बनवा दिया। अगर आप लोग मेरे पिता के ईशान को थोड़ा सा भी मानते हो तो मेरे परिवार को बचा लीजिए, क्योंकि मेरे एक भाई को अंधा कर दिया गया है। शाह तुर्कान मेरी माता, मेरी चाची या परिवार के दूसरे लोगों को अनेक प्रकार से प्रताड़ित कर रही है, उनकी वो कभी भी हत्या करवा सकती हैं। और अगर आप हमारे पिताजी के आदेशों का पालन करते हैं तो मैं आपको यह वचन देती हूं कि मैं आपके यदि उम्मीदों पर खरी ना उतरूं तो आप मुझे सत्ता से हटा दीजिएगा। एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। कहते हैं वह सभी रजिया के साथ हो गई, महल पर आक्रमण किया। महल पर आक्रमण के पश्चात शाह तुर्कान को बंदी बना लिया गया, इन्हें कारावास। जो सेना थी वो सभी रजिया के साथ हो गई और जनता ने ही रजिया को
गद्दी पर बैठा दिया गया। जनता द्वारा शासन सत्ता पर बैठाए जाने का सल्तनत काल में यह पहला उल्लेख है, मुगल काल में भी पहला ही उल्लेख है, मध्यकालीन में इकलौता ऐसा है जिसमें कौन सुल्तान बनेगा कौन नहीं बनेगा इसका निर्णय जनता ने किया। तो यहां ये चीज तो आ गई, ठीक है। बाद में रुकनुद्दीन फिरोज साजद दिल्ली पहुंचते हैं तो इनकी सेना का अधिकांश हिस्सा रजिया के साथ हो जाता है, उसने इनको बंदी बना लिया, युद्ध हुआ छोटा सा, पराजित हुए, बंदी बनाए गए, बाद में कारागार में ही इन दोनों की हत्या करवा दी जाती है, ठीक है। और गद्दी पर आ गई रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान बारह से 1240। जैसा इल्तुतमिश ने कहा था कि उसके सभी जीवित पुत्रों में पुत्री ही सबसे योग्य है, तो ये बात सही भी थी। जितने जीवित पुत्र थे उसमें सबसे योग्य पुत्री ही थी, और रजिया ने अपनी उस योग्यता का परीक्षण भी दिया। रजिया की गद्दी पर बैठने में अमीरों का कोई योगदान नहीं था, कोई योगदान नहीं था, इसलिए अमीर ये कैसे स्वीकार कर सकते थे कि रजिया की गद्दी पर बैठने को केवल जनता ही निर्णय करेगी। इसलिए जो विद्रोही अमीर थे वो सभी अमीर इस बात के निर्णय के विरुद्ध कि रजिया गद्दी पर बैठ चुकी है विरुद्ध दिल्ली के नजदीक आ गए। रजिया ने यह जानती थी कि क्योंकि अमीरों की सेना बहुत बड़ी है, हम दिल्ली के नागरिक और थोड़ी सी सेना के माध्यम से इनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उसने राजनीति का प्रयोग किया। उसने अमीरों के बीच में ही फुट डलवा दी और उनके विद्रोह को खत्म कर दिया। कहते हैं जुनैदी जो इसका नेतृत्व कर रहे थे ये सिरमूर की पहाड़ियों में भाग गए जहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब रजिया के लिए जरूरी था कि तुर्क अमीरों पर डिपेंडेंसी जो है शासकों की उसे कम किया जाए, क्योंकि यदि तुर्क अमीरों पर डिपेंडेंसी बरकरार रहती है बनी रहती है तो वो तुर्क अमीर कहीं ना कहीं हमेशा समस्या खड़ी करते। इसलिए रजिया ने अपने शासन में नए लोगों को लेकर के आई, जिसमें याकूत, जमालुद्दीन याकूत ये एक अबिसिनियाई था, इसे अमीर अखूर का पद दिया, एतगीन, अल्तुनिया, कबीर खान आयाज, इत्यादि लोगों को। एतगीन और अल्तुनिया तो पूर्णतः रजिया के ही कृपा पात्र थे, लेकिन आगे चल करके रजिया के पतन में इन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई, ठीक है। अब चलिए ये चीजें तो हो गई। हुआ क्या कि रजिया चूंकि महिला थी, ये तुर्क जिनके लिए स्त्री सिर्फ एक मशीन होती थी बच्चा पैदा करने का, स्त्री सिर्फ उपभोग की वस्तु होती थी, जब इनकी ये मेंटेलिटी हो तो ये अपने आप को किसी स्त्री शासक के अधीन कैसे स्वीकार कर सकते कि हमारी शासक जो है वो एक स्त्री है, ये बात कैसे स्वीकार कर सकते। और जब ये चीज हम स्वीकार नहीं कर सकते तो उसके उस अधीनता से निकलने के लिए सबसे आसान पुरुषों के लिए मार्ग होता है उस स्त्री के चरित्र पर हमला। ये होता है, उस समय भी होता था, आज भी होता है, ठीक है। बहु पसंद नहीं है तो पड़ोसन से कहते हुए सासू मां फिरेंगी, अरे उनका कुछ होते नहीं है, बहुत गंधैली हैं, ऐसी ऐसी चीजें बता देंगे कि क्या बताया जाए। वो चाहे एक भी गुण, जितने गुण वो पड़ोस में बता रही हैं, वो चाहे एक भी गुण ना हो बहू में,
लेकिन वो सब चीजें गणना के तहत कर दी जाती हैं कि हमारी बहू में ये कमियां हैं, ताकि लोगों के दिमाग में बहू के प्रति एक घृणा का भाव आने लगे और वो उससे दूरी बनाने लगे। उसके चरित्र पर हमला किया जाता है कि उनका पता नहीं किससे किससे अफेयर चल रहा है। आज तो काफी लोग ऐसे हैं जो हाथ में खाली करेक्टर सर्टिफिकेट लेके ही चलते हैं, देख करके ही दूर से देखा किसी स्त्री को जाते हुए सर्टिफिकेट निर्धारण कर दिया। ऐसे भी लोग हैं, तुरंत करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने काम, जैसे लग रहा है उनको लेखपाल बना दिया गया है, उनका सिर्फ एक ही काम है सड़क पर चलते हुए हर स्त्री के करेक्टर का निर्धारण करना, अपने करेक्टर को वो कभी नहीं देखते। तो यहां पर भी क्या हुआ, इन तुर्क अमीरों ने रजिया के सबसे पहले चरित्र पर हमला किया और ये कहा कि रजिया का याकूत से प्रेम संबंध है। अब बात यहां वही आती, एक अबिसिनियाई, अबिसिनिया के तो स्वाभाविक है काले रहे होंगे हफ्सीदासों की तरह, क्योंकि अबिसिनिया हफ्सीदासों की जगह, ठीक, तो उससे इनके प्रेम संबंध है, तो उसमें तो काफी लोग ऐसे भी हो जाएंगे, बताओ यार हम लोग इतने सुंदर सुंदर, इनको हम लोगों को कोई दिखवे नहीं क्या, वो करिकवा दिखा, जैसे सानिया मिर्जा ने जब एक पाकिस्तानी से विवाह कर लिया तो भारत में बहुत से ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्ति उभर कर सामने आते हैं जो ये कहते हैं कि इनको एक पाकिस्तानी मिला था, भारत में कोई नहीं मिला, कहीं और इनको कोई नहीं मिला, पाकिस्तानी मिला। उसका भी बड़ा विरोध रोध हुआ था, खूब जबरदस्त चीजें, तो अब उसका क्या कहा जाए, तो इनके साथ भी तो यही रहा हो था क्या। याकूत चूंकि अमीर याकूर है, पूरे असुसाला का प्रधान है, तो उसका काम होता था रजिया को घोड़े पर चढ़ाने में मदद करना। अब प्रश्न ये उठता था कि वो रजिया को घोड़े में चढ़ाने मदद कैसे करता था, दो चीज हो सकती है। पहला है कि यदि रजिया को यहां पे पकड़ करके उठाता होगा तब तो प्रेम संबंध था, लेकिन चूंकि दास है तो इतनी हिम्मत नहीं रही होगी कि कमर पे पकड़ के उठा दें, यहां हाथ लगा के उठा घोड़े बैठा दें, ऐसी हिम्मत नहीं रही होगी। रजिया भी घुड़सवारी जानती थी, रजिया को भी पूरी सैनिक शिक्षा दी गई थी, तो उसे एक अनकढ़ व्यक्ति की तरह घोड़े पर बैठना नहीं आता था, वह एक सुशिक्षित थी, उसे पता था घोड़े पर कैसे बैठते हैं, घोड़े कैसे चढ़ सकते हैं, तो यहां से पकड़कर बैठाने का कोई औचित्य ही नहीं था। याकूत घुटनों के बल बैठ करके अपने हाथों को इस प्रकार से कर लेता था, रजिया उसके इन हाथों पर पैर रखती थी और फिर उछल जाती थी, घोड़े बैठ जाती थी, सिर्फ इतना ही था। अब अगर उसके इन हाथों पर पैर रखने को प्रेम संबंध करार दे दिया जाए तो ये तो जिन लोगों ने दिया उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ टारगेट करके किसी व्यक्ति के चरित्र पर हमला करने की बात हुई। रजिया के साथ भी वही किया गया और रजिया का पता नहीं महत्वपूर्ण, क्योंकि सबसे पहले जब विद्रोह होता है तो याकूत की हत्या की गई। दूसरा, जब रजिया ने शासन पर पकड़ मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि भाई स्त्री है तो बुरका या हिजाब तो लगा कर ही आएंगी, लेकिन उसने जब देखा कि इससे शासन में बहुत अच्छा पकड़ नहीं है तो उसने कुला और टोपी यानी एक पुरुष की वेशभूषा में दरबार लगाना प्रारंभ किया। आज तो सामान्य बात है पुरुषों की वेशभूषा लड़कियों द्वारा पहनना, खूब लड़कियां जींस पहनती हैं, टॉप पहनती हैं, शॉर्ट पहनती हैं, ठीक है, उस समय ये बहुत बड़ा पाप था, पक्का हत्या हो जाती इसमें। तो जब पूर्णता पुरुष की वेशभूषा में आने लगी, दरबार लगाने लगी, तो यह भी बहुत लोगों को अखर रहा कि अगर सासिका इसे वेशभूषा में आएगी
तो कल को हमारी भी पत्नी तो कहेगी कि जब वो पुरुषों की वेशभूषा पहन सकती तो हम काहे ना पहने। अब चिंता लोगों को ज्यादा सताने लगी थी। दूसरा चरित्र पर हमला ऑलरेडी हो ही गया था। ये भी लोग जानते थे कि रजिया के प्रति दिल्ली की जनता वफादार है। रजिया धीरे धीरे शासन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी और रजिया के शासन में पकड़ मजबूत करने से उन तुर्क अमीर जो चालीसा के सदस्य थे उनकी स्थिति कमजोर होती, और अगर उन चालीसा के अमीरों की शक्ति कमजोर होती तो स्वाभाविक था अमीर विद्रोह करते। परिणाम भी वही हुआ, 1240 में अमीरों द्वारा विद्रोह किया गया, रजिया पराजित होती है। बाद में कैथल हरियाणा के पास इसकी हत्या हो जाती है। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, एक युद्ध की अल्तुनिया की सहायता से, लेकिन केंद्रीय सेना से हार गई। कहते हैं कैथल के पास एक पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे, उसी समय कुछ डाकुओं ने हमला किया और इनकी हत्या कर दी गई। ये चीजें। इसके बाद शासन पर आते हैं बहराम शाह। बारह से 42 कहते हैं शासन के संपूर्ण अधिकार अमीरों ने अपने हाथों में केंद्रित किया और इसके लिए एक नाइब का पद या नाइब ए मामलिकात का पद का सृजन किया। एक पद रहेगा जिसमें, और इस पर पहली नियुक्ति हुई एतगीन की। लेकिन जब एतगीन ने राजा के जो अधिकार होते थे, वो किसी अमीर उमीर के नहीं होते थे, नौबत और हाथी बंधवाना, उस पर भी जब हमला किया इसने, तो बहराम शाह को गुस्सा आ गया और इसने एतगीन के ऑफिस में ही हत्या करवा दी। जब ये सब चीजें हुई, अमीरों को लगा कि इससे तो कुछ भी हो सकता है, तो रजिया के समय मुहाजबुद्दीन ये वजीर थे, इन्होंने एक षड्यंत्र करके बहराम शाह की हत्या करवाई और एक नए शासक बनते हैं मसूद शाह। मसूद शाह से कोई क्वेश्चन इत्यादि आता नहीं, सिर्फ नाम याद कर लीजिए बस। मसूद शाह 1242 से 1246, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। कहते गद्दी बैठा है, इसने अपने सारे अधिकार नाइब के हाथों में सौंप दिए, लेकिन उस समय नाइब कोई बना ही नहीं डर के मारे, तो जो वजीर था उसी के हाथ में रहा टोटल अधिकार। और इसी के समय पलबन का उत्थान होता है, पहले हांसी की जागीर दी गई और फिर अमीरे हाजिर का पद मिला। ठीक, 1246 में बलबन नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पौत्र, नासिरुद्दीन की मां ने मिलकर षड्यंत्र किया और इतनी शांतिपूर्ण तरीके से मसूद शाह को गद्दी से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को अपना नाइब बनाया और सुल्तान के सारे अधिकार बलबन को सौंप दिए। यानी एक ऐसा सुल्तान जिसके पास अपने, इसके विषय में तो ये कहा जाता है ये अपने हाथ पैर भी बिना आज्ञा के नहीं हिलाता था, खाना भी बिना आज्ञा के नहीं, कोई भी काम करता था तो पहले पूछ लेता था करें कि ना करें। ठीक है, ये चीजें थी, सैनिक आर्थिक न्यायिक सारे अधिकार इसने दे दिए। स्वयं कहते हैं बहुत सात्विक जीवन था, इसने अपना खर्चा जो है वह कुरान की आयतें
सॉरी कुरान की नकल की प्रतिलिपि तैयार करता था और टोपी सिलता था। कहते हैं इसी को बाजार में बेचकर जो मुद्रा मिलती थी उसी से अपना खर्चा चलाता था। बलबन को इसने उलूग खां की उपाधि दी। कहते हैं शासन चलता रहा। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इससे किया और सिर्फ 1252 और 53 छोड़ दिया जाए एक वर्ष 1252 से 53 इसमें राय राहन यह नाई बन गया था। इस एक वर्ष को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण शासन में बलबन ही नाइब रहा, ठीक है, और शासन की संपूर्ण बागडोर बलबन के हाथों में ही रही। चालीसा के सदस्यों का इसी समय धीरे धीरे पतन शुरू होता है बलबन के द्वारा। कहते हैं बलबन 40 के सदस्य में अंतिम पायदान पर था, लेकिन अपनी योग्यता से उठते उठते वह सुल्तान के पद पर पहुंच गया और अंततः 1265 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है और गद्दी पर बलबन सुल्तान के रूप में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बलबन कोशिश करें कि आज हम लोगों का बलबन तक हो जाए। दित्ती इलबारी वंश, सौ 65 से 1290 सेकंड इलबारी वंश 1265 से 90, ठीक है। देखिए इसमें बलबन का शासक बलबन, बलबन, ठीक है। अब इसकी उपाधि देखिए उलूग खां। इसकी बात अभी हम लोग कर चुके हैं कि नासिरुद्दीन महमूद ने इस उपाधि को इसे प्रदान किया था। जिल्ली जिल्ला, जिल्ली जिल्ला स्वयं धारण कर लिया, ठीक। गियासुद्दीन राज्यारोहण के समय धारण करवाया और नियामत एक खुदाई खुदाई ये उपाधियां थी, ठीक है। दिल्ली जिला का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब ये उपाधि थी। बलबन ने स्वयं को, हाँ इसका टाइम पीरियड 1265 से 1287, बलबन ने स्वयं को शाहनामा में वर्णित अफरासियाब का वंशज बताया, स्वयं को शाहनामा में वर्णित अफरासियाब का वंशज बताया। सोचिए एक फारसी चरित्र ऐसा जैसे रामायण में राम का वंशज, ठीक है, ये सब चीजें कर दिया जाए। अब चूंकि बलबन जब गद्दी पर बैठा तो इसे दास्ता से मुक्ति नहीं मिली थी और इस्लामिक नियमों के अनुसार कोई भी दास सुल्तान नहीं हो सकता, इसलिए इसने किया क्या कि इससे छुटकारा पाने के लिए इसने दैवीय राजत्व का प्रचलन किया। इस दैवीय राजत्व के अंतर्गत इसने ये कहा कि सुल्तान को ऐसे वैसे थोड़े बन जाता है, किसी व्यक्ति को यदि सुल्तान बनना होगा तो खुदा उसे स्वयं सुल्तान बना देगा और जो सुल्तान होता है उस पर खुदा की प्रतिच्छाया होती है, वह कोई काम स्वयं थोड़े करता है, उससे जो भी कार्य होते हैं उसके मुख से निकलने वाली प्रतीक वाणी ये सब खुदा की वाणी होती है। पैगंबर के बाद सीधे सुल्तान के नीचे अधीन वो सॉरी पैगंबर के बाद खुदा के अधीन सीधे सुल्तान है जिसका खुदा का
जिसका खुदा से डायरेक्ट संबंध होता है, यानी स्वयं को खुदा के जस्ट नीचे कर लेना, मुख से या उसके द्वारा जो भी कार्य किए जाए सब खुदा के कार्य कहलवा देना, दैवी राजत्व यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीजें, वो जो भी काम करेगा सब ईश्वर द्वारा चीज की जाएगी, कुछ अलग से नहीं किया जाएगा। तो एक स्ट्रेटजी के तहत बलबन ने अपने आसपास इतना ज्यादा भौकाल क्रिएट कर दिया कि लोग यह बात भूल गए कि यह एक दास है, सुल्तान के रूप में है, इसे दासता से मुक्ति नहीं मिली है। उसने अपने राज दरबार में सब वही अफरासियाब वंश की प्रथाओं को, जैसे सिजदा और पायबोश का प्रचलन किया। इससे पहले सिजदा और पायबोश ईरानी परंपराएं हैं, ये नहीं होती थी। ठीक, ईरानी त्योहार फारसी नववर्ष नौरोज मनाना प्रारंभ किया, अपने बच्चों के नाम अफरासियाब वंश के आधार पर कैकुबाद क्यूमर्स कैकाश इत्यादि रखे, मतलब पूरा वही रंग ढंग वही सब चीजें। कहते हैं निम्न वंश के व्यक्तियों से मिलना बंद कर दिया, तुम चाहे जितना दोगे हम मिलेंगे ही नहीं। दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाया, अपने चतुर्दिक सुरक्षा में हफ्सीदास नियुक्त किए। कहते हैं उसने अपनी शान शौकत इतना ज्यादा बढ़ा दी कि लोग आश्चर्य करते थे। दिल्ली में बलबन के दरबार को इस्लामिक जगत में सर्वश्रेष्ठ कर दिया उसने। कहते थे लोग जाओ देखो, दरबार में कोई भी अमीर बैठ नहीं सकता था, प्रत्येक व्यक्ति अमीर हाथ बांधे खड़े रहते थे। दरबार में किसी को मुस्कुराने या हंसने की आज्ञा नहीं थी, न तो बंदा खुद हंसता मुस्कुराता था, मतलब मस्खरी इत्यादि दरबार से एकदम खत्म हो गई, इतना शांत दरबार। कहते हैं बलबन किसी से बिना पूर्ण वेशभूषा के भूषा की नहीं मिलता था। बलबन के बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद की जब मंगोल आक्रमण में हत्या मृत्यु होती है, तो और उसे जब सूचना दी गई दरबार में, तो बलबन तनिक भी विचलित नहीं हुआ, वो एकदम नॉर्मल सुल्तान की तरह व्यवहार करता रहा, कार्य करता रहा। लेकिन कहते हैं इसी राजकुमार की मृत्यु से, शहजादे की मृत्यु से बलबन के साम्राज्य की संपूर्ण आशाएं खत्म हो गई थी। बलबन ये जानता था कि बुगरा का में वो क्वालिटी नहीं है, वो शासन सत्ता नहीं चला सकता, उसके बच्चों की अभी उम्र कम है, नासिरुद्दीन महमूद ही था जो उसके बाद उसके शासन को आगे बढ़ाता, उसकी डेथ हो गई थी। कहते हैं दरबार में एकदम शांत रहने वाला बलबन रात्रि में जब सब लोग सो जाते थे तो अपने दरबार में बहुत तेज तेज रोता था उसके दुख में। कहते हैं कई कोस तक उसके रोने की आवाज सुनी जा सकती थी। तो एक ऐसी चीज है। अब शासन में इसने क्या किया, कठोर दंड विधान, दंड विधान लागू किया, छोटी सी गलती के लिए भी बड़ी सजा। बंगाल विजय जब ये करता है तो कहते हैं बंगाल विजय में तुगरिल खां इसने अपने आप को ग्यासुद्दीन के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अवध के नवाब को भेजा गया, पराजित हो गया, पुनः अवध के नवाब के साथ, सॉरी अवध के इक्तदार के साथ दूसरे को भेजा गया, फिर पराजित हो गए, अंततः स्वयं पहुंचा तो अवध के नवाब जो पराजित होकर के आए थे
कहते हैं सबसे पहले उसकी हत्या का आदेश दिया कि तुम हार गए थे तो भाग के काहे आए, वहां अगर तुम लड़ते लड़ते मर जाते तब पर भी शहीद थे, यहां एक भगोड़ा घोषित होकर के शहीद हो रहे। कहते हैं उसकी हत्या करवाई और कटे हुए सर को अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया, अवध में स्वयं गया आक्रमण किया, तुगरिल यहां पराजित होकर के भागे, इसके सैनिकों ने पीछा किया, तुगरिल खां और उसके लगभग 1000 सैनिक पकड़े गए। कहते हैं जब वो पकड़े गए तो वो सब लाए गए। बलबन ने अब वहां दंड विधान देखिए, बलबन ने किया क्या कि लखनौते की मुख्य मार्ग, जो लखनौती राजधानी थी बंगाल की, उसके मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ लकड़ी के तख्त खड़े करवाए और उस तख्त में उसका साथ देने वाले जितने भी सैनिक थे सबको जिंदा गड़वा दिया। क्या तुम बतासे वाली जो लंबी वाली कील होती है उसी में इन हाथों पर पैरों पर और सिर पर ठुकवा दिए गए। कहते जो ठोकने वाले सैनिक थे उन्होंने जब इस दृश्य को देखा तो वो मूर्छित होकर गिर जाते थे, इतना भयानक था। कहते हैं लगभग 1 किलोमीटर तक दोनों साइड सैनिक ठोके गए थे, जिंदा मार दिए गए थे। तुगरिल खां के साथ इसने क्या किया, कहते तुगरिल खां के शरीर से पहले तो सारे मांस निकाले गए, अब जो खाल बची उसमें भूसा भरवा करके सिर में पूरे नगर में घुमाया गया, उसका जो मांस था उसे चावल के साथ पकाया गया और उसके परिवार के सदस्यों को वही खिलाया गया, बीबी बच्चों को तुगरिल खां का मांस। और जब वो लोग गाड़ दिए गए तो अपने बेटे बुगरा खां के कंधे पर हाथ रखा, कहा चलो बेटा तुम्हें अच्छा दृश्य दिखा, लेकर के आया और बुगरा खां से कहता है, क्योंकि बुगरा खां वहां सूबेदार नियुक्त हो चुके थे, अब इक्तदार, बुगरा से कहता है ये दृश्य देख लो, बंगाल में दिल्ली सल्तनत के खिलाफ उठने वाली प्रत्येक आवाज या प्रत्येक विद्रोह का यही अंजाम होगा। यानी बेटे को भी वह दृश्य दिखा करके एक धमकी देना कि दिल्ली के खिलाफ कभी विद्रोह मत करना, ये बलपूर्ण है, छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा सजा, सहयोग ना कर सके उसके लिए सब चीजें। दूसरा इसने दीवान अर्ज विभाग, जो सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना की, दीवान अर्ज विभाग की स्थापना करता है। दूसरा इस विभाग का जो कार्य था सैनिक भर्ती प्रशिक्षण वेतन इत्यादि जो भी हो सकता, सर ठीक है। नेक्स्ट बलबन ने राजस्व के लिए, होता क्या था कि इस बीच में जब इल्तुतमिश के पश्चात और बलबन के बीच में सुल्तान कमजोर हुए तो उसमें बहुत से सैनिक ऐसे थे, भाई नगद वेतन तो देने की प्रणाली थी नहीं, भूमि ही दे दिया जाता था, तो उसमें बहुत से लोगों को ऐसी भूमि मिल गई थी कि उनके जो सेना में काम करने वाले थे उमर गए थे, सेना में कोई काम नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी भूमि लिए हुए थे, तो ऐसी सभी भूमियों की जांच करवाई और उन्हें वापस लेने की बात की। लेकिन बाद में कोतवाल फखरुद्दीन ने समझाया, बाद में इसके समझ में भी आ गया और ये वापसी रोक दी गई, लेकिन ये कहा गया कि ऐसे लोग जिनके परिवार में कोई काम करने वाला न हो उनके पास तो भूमि रहने दिया जाए, लेकिन जिनके पास काम करने वाले हैं उनसे भूमि छीन ली। तो ये सारी व्यवस्थाएं की मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए उसने सीमा पर किलों की एक दीवार बनवा दी और इन प्रत्येक किलो में 10,000 अफगान सैनिक तैनात कर दिए। दिल्ली के आसपास में मेवातियों के विद्रोह होते रहते थे, कहते हैं महिलाएं नहाने वहाने जाती थी तो वो सब विद्रोही इतने बदतमीज थे कि महिलाओं कपड़े उपड़ा लेके भाग जाते थे, उनको नग्न हालत में छोड़ देते थे, तो उनको रोकने के लिए दिल्ली के आसपास जो भी जंगल थे
पहले उन जंगलों को साफ करवाया और उसके बाद मेवातियों की जो भी बस्ती थी उस पर सेना के द्वारा आक्रमण करके पूरे गांव के गांव चलवा दिए। ठीक है, तो बलबन था, तो बलबन में मुख्यतः यही पूछा जाता है, सिजदा पैबोस पूछा जाता है, ठीक है, राजा तो पूछा जाता है, वंश कौन सा था उसका और उसकी उपाधि, ठीक है, दीवान अर्ज विभाग का गठन किसने किया। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा अब कैकुबात, कैकुबात 1287 से 90, पलबन के कठोर संरक्षण में पालन पोषण, कहते बहुत कठोर संरक्षण में पालन पोषण हुआ। 18 साल की उम्र में सुल्तान बने और जब सुल्तान बनते उससे पूर्व इन्होंने कोई सुंदर स्त्री और मदिरा देखा ही नहीं था। ठीक, कोतवाल फखरुद्दीन के दामाद थे निजामुद्दीन, कहने इसने इसकी इसी बात का लाभ उठाया और सुंदर स्त्री और मदिरा में इसको इतना पागल कर दिया कि व्यक्ति हमेशा उसी में पड़ा रहता था और संपूर्ण शासन निजामुद्दीन के हाथ में आ गया। बाद में बुगरा खां के समझाने पर निजामुद्दीन की हत्या करवा दी, लेकिन भाई अपने ऊपर कंट्रोल कितने दिन रख सकता है, ऐसा रहे। फिर कुछ दिन बाद उसी में तो पुनः शासन में भी गड़बड़ी आ गई, परिणाम स्वरूप 1290 में इसे लकवा मार गया। कोई भी चीज जब अधिकता हो जाती है तो समस्या यही हो जाती है, लकवा मार गया। तो जब लकवा मार गया तो इसके एक अल्पवयस्क पुत्र जो कि बच्चा था भी है ना, क्यूमर्स, इसे शासक घोषित किया गया, एक संरक्षण परिषद बना कि संरक्षण में कार्य किया जाएगा। लेकिन उसी में गैर तुर्क और तुर्क इनमें विवाद हुआ। गैर तुर्कों का नेतृत्व कर रहे थे जलालुद्दीन खलजी और इसका मलिक कच्छन व सुरखा ये कर रहे थे। मलिक कच्छन और सुरखा ने गैर तुर्क के सरदारों की हत्या करने का एक प्लान किया और उसमें सबसे ऊपर नाम जलालुद्दीन खलजी का ही था। ये बात जलालुद्दीन खलजी को पता चल गई, इसलिए जलालुद्दीन खलजी क्यूमर्स को लेके भाग गए, बाद में क्यूमर्स की हत्या करवा दी और स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया। कच्छन और सुरखा से युद्ध हुआ जिसमें पराजय हुई और इनकी भी हत्या हो गई। और इसी के साथ साथ भारत में ममलूक वंश का शासन खत्म हुआ और खलजी वंश का शासन स्थापित होता है। ठीक है, सबसे समृद्धशाली, बहुत काम हुए हैं जलालुद्दीन खलजी के बाद अलाउद्दीन के समय में। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग बस यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जलालुद्दीन और तुगलक वंश, सॉरी खलजी और तुगलक वंश, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, लास्ट में सैयद और लोदी जो और भी चीजें बचे। ठीक है, ये चीजें आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।